वो छोटी सी बच्ची है मेरी। अरे धानी कुछ नहीं होगा बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? भगवान, मैंने भी किस बेवकूफ को भेज दिया बैंक। अरे कोई बात नहीं धानी, जाने दे, इट्स ओके। मम्मी क्या हुआ धानी? ये देखो क्या हुआ। जिन्नी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? और ध्वनि को क्या हुआ, इसका क्यों मुंह लटका हुआ है?
अरे कुछ नहीं, देखो पिंपल आ गया चेहरे पे ना, और उसी की चिंता में आपकी सुपुत्री। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, ये तो होना ही है ना, मतलब किसी ना किसी को तो पिंपल निकलेंगे। और पता है मेरा तो क्या मन कर रहा है कि यहाँ से कट होकर सीधा शिमला में पेश हो जाऊं। फिलहाल तो ना आप यहाँ से कॉपी होके सीधा बैंक में पेस्ट हो जाओ, वरना जो आपका पियोन है ना वो आपके सारे पैसे फॉर्मेट कर देगा। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। पापा पापा आखिरी वक्त का मेरे पिंपल की क्रीम भी आना, मुझे जल्दी ठीक होना। अरे ध्वनि क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? अरे मम्मी मुझे ये चेहरा नहीं पसंद है। ध्वनि बेटा बनना है ना अगर, तो दिल से अच्छा बनो, क्योंकि चेहरे के तो फिल्टर ही काफी है। फिल्टर हो गए। अब आप जाओगे यहाँ से या नहीं जाओगे? बिल्कुल सही है, मैं जा रहा हूँ। देख ध्वनि पापा कितना सही कह रहे थे ना। अरे मम्मी ये सब छोड़ो, आप मुझे अपना मोबाइल दे दो, उससे पहले ना मुझे पिंपल हटाने की जुगाड़ देखना है। अच्छा चलिए ले देख ले जुगाड़। लगता है महायुद्ध होने वाला है दो बहनों में, पर मैं भी क्या करूं, मैं तो ठहरी माँ कुंती। जिंदगी आपने मेरी पे सोशल मीडिया पे क्यों डाली? बस कर ध्वनि, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? मैंने सोशल मीडिया पे ही तो अपलोड करी है तेरी पिक्चर, और क्या कर दिया? ऐसा थोड़ी है मैंने मीडिया वालों को तेरी फोटो दे दी है और वो ब्रेकिंग न्यूज में हर तरफ तेरी फोटो दिखा रहे हैं। हाँ तो अब सारे फ्रेंड्स में हम मजाक उड़ाएंगे। तेरे फ्रेंड के पायलट है जो मजाक उड़ाएंगे। जिन्नी दीदी जल्दी से मेरी फोटो डिलीट कर दो, वरना फिर मेरे फ्रेंड्स फोटो पे हंस रहे होंगे और कमेंट कर रहे होंगे। रहने दे छोड़ंकी, सबको देखने दे कि तू कितनी बचूरा दिखती है और मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। मैं इतनी सुंदर में क्या करूँ क्या करूँ? ध्वनि अब तो तू मामा की शादी में भी नहीं जा पाएगी, और तेरी जो सेल्फीज होंगी ना वो भी इतनी गंदी आएंगी। और हाँ मेरे साथ फोटो क्लिक मत करवाइयो, नहीं तो मेरी भी खराब कर देगी। दीदी आप फोटो डिलीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं नहीं करी डिलीट, बोल क्या करेगी? अच्छा नहीं करी डिलीट, नहीं करी। मम्मी मम्मी जिंदगी से कौन है मेरी पिक्चर डिलीट करेगी? जिन्हें क्यों परेशान कर रहे हो आप इसको? मम्मी मैं गोरी ये काली, कहाँ से हुई ये बहन हमारी? बेटा गोरा और काला ना कुछ नहीं होता है, और किसी के ना रंग का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जो हमारे बंसी बजाइयां हैं वो भी तो सांवले ही हैं। और ध्वनि बेटा टेंशन से चेहरे पे पिंपल बढ़ते हैं, और रोने से रिंकल बढ़ते हैं, और मुस्कुराने से हमेशा चेहरे पे डिंपल बढ़ता है। डिंपल ज्यादा खुश मत हो ध्वनि, अगर एक पिंपल जाता है ना तो 5 और आ जाते हैं। मम्मी देखो ना जिन्नी दी को। अरे जाने देना जिन्नी की बच्ची को। पर मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसा तो नहीं होता। मम्मी क्योंकि मेरी मोटर वायर हो गई है। जिन्नी दीदी करो मेरी पिंगिरी। नहीं ध्वनि। अच्छा A few moments later. देख लिया ना जिनी, कर्मा इज बैक, आपको अपने कर्मों का फल मिल गया, और जिस चेहरे पे आपको इतना घमंड था गुमान था, आज उस चेहरे पे इतनी सारी चोटें लगी हैं, अब ये सारे निशान कैसे जाएंगे आपके? हाँ और मामा की शादी भी तो है, सेल्फी भी तो लेनी होगी। आप चुप रहो ध्वनि बेटा, अभी भी समझाया ना मैंने, किसी के भी चेहरे के दाग धब्बों का या किसी के काले होने का या गोरे होने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको पता है कोयले में से हीरा निकलता है, और कोयला कैसा होता है? काला होता है। तो कभी भी ना किसी के कलर का या किसी के दाग धब्बे से उसको नहीं जज करना चाहिए। हाँ मम्मी पर दाग तो चांद में भी है, क्या चांद खूबसूरत नहीं है? सॉरी मम्मी और ध्वनि, मैं ये कैसे भूल गई कि असली मोहब्बत तो सिर्फ सांवले रंग से ही है, गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफाई थे।
फ्रेंड्स कभी भी किसी को किसी के कलर से जज मत करना, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आता है। और हाँ, दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, उसका दिल और सुंदरता तो उसकी असली अंदर दिल से ही है। तो वी होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।